अवैध हथियारों के खिलाफ कार्यवाही में सदर थाना निम्बाहेड़ा पुलिस सतर्क। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने एक बार फिर से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक अवैध पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी रानाई खेड़ा चौराहे पर खड़ा होकर पिस्टल बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। निम्बाहेड़ा सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक सूरज कुमार ने बताया, पुलिस टीम के सत्यवीर सिंह, सुमित कुमार, संदीप कुमार, कांस्टेबल सहित मुखबिर की सूचना पर इस पर पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने घेरा बनाकर नगजी राम पुत्र हाबूलाल पूर्विया निवासी रानीखेड़ा को धर दबोचा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसकी पैंट की जेब में एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस मिले। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में बताया, कच्ची बस्ती के किसी आदमी ने इसे 25,000 रुपए में खरीदा, जिसे वो 30,000 में बेचता था। आरोपी इस आदमी को शक्ल से जानता है। बता दें कि हथियारों की तस्करी के मामले में निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने एक साल में अब तक कुल 19 पिस्टल, 20 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं, जबकि 10 पिस्टल और 20 मैगजीन बनाकर बेचने वाले आरोपी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश से भी गिरफ्तार किया। नव भारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला चित्तौड़गढ़ श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी गोयल साहब के दिशा निर्देश में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत इमरोजा जरिए मुखबिर खास से सूचना मिली कि रानीखेड़ा चौराहे पर उक्त हुए का व्यक्ति अवैध हथियारों की खरीद कर सकता है। सूचना पुख्ता और विश्वसनीय होने से मैंने ऐसे सूरज कुमार में जाप्ता कांस्टेबल सुमित संदीप सत्यवीर तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पर बताया मुखबिर हुए का व्यक्ति मिला, जिसको मौतवीरान की उपस्थिति में तलाशी ली गई, जिसकी जेब से एक पिस्टल व 8 जिंदा कारतूस मिले, जिसको नियमानुसार जब्ती की गई। 5 जब्ती थाने पर लेकर आए। कहां से कहां ले गए, इसके बारे में आगे का कार्रवाई चल रही। उक्त मुलजिम को श्रीमान कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। आगे वो हथियार कहां से लाया, कहां बेचने वाला था, इस बारे में अनुसंधान जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियानों के दौरान पिछले एक साल में पुलिस थाना सदर निर्माणा द्वारा कुल 19 पिस्टल, 20 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 10 पिस्टल 20 मैगजीन बनाने वाले आरोपी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके लाया था, जो कि बनाकर बेचता था, उसका मास्टरमाइंड था।